भारत के पावन देव भूमि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चारमुख धाम के साथ साथ ऋषिकेश, हरिद्वार, बनारस, इलाहाबाद, उत्तरकाशी, आगरा के यात्रा कर अपन मनुष्य जीवन के सफल करा। तीर्थ यात्रा एसोसिएशन द्वारा इस साल के यात्रा के दूसरका कड़ी 25 सितंबर से 17 अक्टूबर 2019 तक रिजर्वेशन और जस्ती जानकारी खातिर फोन करा 5949870 या 5751838181 या तो 5702009 पर फोन करा। यात्रा कौन सी है? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा से जन्म जन्म के प्यास कट जाला। तीर्थ यात्रा एसोसिएशन द्वारा आयोजित तीर्थ यात्रा मई 2019 सरसी सागर रामगुड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में एगो विदाई समारोह के साथ शुरू भेल, जहां यात्री लोग के रिश्तेदार अपन हित मित लोग के छोड़े खातिर आ रहल जा। सबके चेहरा में उत्सुकता रहल, सबके आंख में एगो नमी रहल, भगवान के दर्शन करे खातिर सब कोई व्याकुल रहलन जा। विदाई समारोह एगो पूजा के साथ शुरू भेल। सभी यात्रियों को मॉरिशस की ओर से हृदय से स्वागत है। पंडितगण है, हमारी माता बहनें, बेटियां, भैया, बहुएं, आप सभी को इस तृतीय चरण यात्रा अभिनंदन हो। परमात्मा आप लोगों को शक्ति दे,
अच्छा विचार दे, एक साथ रहने के लिए, एकता में अपनी पूजा करने के लिए। सो हमें केदारनाथ से यही प्रार्थना है कि हमारे बच्चों की यात्रा, हमारे भाई बहनों की यात्रा पूर्ण हो। भारतवर्ष एक पवित्र भूमि है, भारतवर्ष में एक अखंड भूमि है और भारतवर्ष एक शाश्वत भूमि है, जो कि मैं आप सभी के चरणों को प्रणाम करता हूँ। जितने लोग आज यात्रा में प्रवेश कर रहे हैं, जा रहे हैं, आप लोगों के पुण्य से मॉरिशस का कल्याण हो, आपके पुण्य से हमारे देश, हमारी जाति का कल्याण हो, आप लोगों के ये यात्रा से हमारे पूरे मॉरिशस की जनता का कल्याण हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है उस परम पिता परमात्मा से, जिन्होंने आप लोगों को चिट्ठी भेजकर बुलाए हैं कि आओ मेरे बच्चे, मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। Avec grand plaisir que nous, M. Rocheuse, nous pouvons recevoir un aussi grand groupe qui vient en pèlerinage. C'est une première pour nous. Et pour nous, comme membres d'équipage, on est honorés pour cette visite. Et autant au nom de M. Rocheuse, je me souhaite tout bon pèlerinage, qu'il se passe un très beau moment et que tout se passe bien. Aujourd'hui, c'est une chose qui est que nous avons fait tant de gens. और एमोशंस की ओर से आप सभी यात्रियों को हमारे मंगलमय। सात घंटा के लंबा सफर के बाद स्थानीय विमानन कंपनी के हवाई जहाज से यात्रीगण दिल्ली पहुंच लंजा। भारत की पावन देव भूमि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चार मुख धाम के साथ साथ ऋषिकेश, हरिद्वार, बनारस, इलाहाबाद, उत्तरकाशी, आगरा के यात्रा कर अपन मनुष्य जीवन के सफल करा। तीर्थ यात्रा एसोसिएशन द्वारा इस साल के यात्रा के दूसरका कड़ी 25 सितंबर से 17 अक्टूबर 2019 तक रिजर्वेशन और जस्ती जानकारी खातिर फोन करा 5949-8703 या 5751-8381 या 5702-009 पर फोन करा। दिल्ली दिलवालों के शहर में यात्रीगण के भव्य स्वागत करल गैल। दिल्ली में हल्की बारिश भी हमनी के दिल खोल के स्वागत करलक। दिल्ली में उतरते ही हौजा के मिट्टी के खुशबू सबके दिल के मोह लीलक।
यात्री लोग के रास्ता ही पर भारतीय संस्कृति के नजारा देखे के मिलल। दिल्ली अपन प्रगति के चरम सीमा पर बाटे। चाय के खुशबू के साथ साथ गर्मा गर्म पकौड़ा के झलक भी मिलल। भारतीय लोग स्वभाव से बहुत मेहनती हवन जा, हालांकि दिल्ली ढेर मना प्रगति कर लेले बा, पर आज भी अपन संस्कृति के जीवित रख ले बाते। आज भी ई देश में पशु इंसान के संघत में रहेला। आधिकारिक तौर पर राष्ट्र राजधानी क्षेत्र दिल्ली भारत के एगो केंद्र शासित प्रदेश और महानगर है। एकर में नई दिल्ली सम्मिलित है, जो भारत की राजधानी है। हैजा पड़ी विशाल भारतीय झंडा गर्व से लहराला और भारत के शान दिखावेला। दिल्ली राजधानी होइला के नाते केंद्र सरकार के तीनों इकाई कार्यपालिका, संसद और न्यायपालिका के मुख्यालय नई दिल्ली और दिल्ली में स्थापित है। 1473 वर्ग किलोमीटर में फैलल दिल्ली जनसंख्या के तौर पर भारत के दूसरका सबसे बड़ा महानगर है। इंडिया गेट भी भारत के एगो शान और जान है। इंडिया गेट के मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक बोलल जाला। नई दिल्ली के राजपथ पर स्थित 2.3 मीटर ऊंचा विशाल इमारत यानी कि